खबर वैशाली जिले के महनार से है, जहां हाजीपुर महिला थाने की एक एसआई द्वारा महनार बाजार के गंगा रोड स्थित कुछ दुकानदारों से अवैध रूप से रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। इस पूरे प्रकरण का सीसीटीवी फुटेज काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने पर महनार थाना अध्यक्ष ने इस पूरे मामले की जांच की, जिसके बाद मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को महिला थाना के हाजीपुर की एसआई सरिता चौधरी एक ब्लैक रंग के पल्सर बाइक से एक व्यक्ति के साथ महनार आई थी, जिसमें कुछ दुकानदारों का आरोप है कि महनार बाजार के गंगा रोड में कुछ दुकानदारों से भया दोहन कर रुपए ली और चली गई। बताया गया कि अरविंद आभूषण भंडार के मालिक अरविंद कुमार शाह एवं रवि भूषण बर्तन भंडार के मालिक रवि भूषण जायसवाल से एवं आदि से उन्होंने रुपए की वसूली की है। ये घटना विभिन्न स्थान पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। इसके बाद देखते ही देखते पूरा मामला दुकानदारों के बीच सोशल मीडिया के द्वारा वायरल हो गया। जब ये घटना महनार थाने की पुलिस के संज्ञान में आया तो महनार थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने स्वयं महनार बाजार के गंगा रोड पहुंचकर दुकानदारों से बातचीत कर पूरे मामले की जांच की। बताया जा रहा है कि इस घटना की जानकारी एसपी को भी दी गई है। लोगों के अनुसार महनार थाने की पुलिस नाजायज तरीके से दुकान खोलने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन उक्त पुलिस अधिकारी द्वारा दुकानदारों से रुपए लेने से पुलिस की छवि खराब हुई है। ऊपर में कथी है रे, बीआर कितना है? पूरा नंबर है BR31। नंबर है BR31। हाँ, 31 के बाद फिर तुम नंबर नंबर दो। बाद नीचे वाला में किसान दुकान मेरा बंद था और हम अंदर ही थे, घर दुकनिया है हम लोग का, हम अंदर सोए हुए थे। दोपहर करीब 2 बज रहा था तो वहाँ बाइक लगाए हुए थे, देखो यहाँ पर बाइक लगा क्योंकि इसमें छेद है वो जाता है। तो बाइक लगाने के बाद वो पैर से मारने लगे, बोले कि दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो।
पूछे सर क्या बात है, तो बोले कि सर तुम दुकान खोले हुए हैं। बोले सर दुकान कहाँ खुला हुआ है, कोई चौकी है 2 बजे, दुकान हम लोग का बंद था। तो सर सोए हुए हैं, खुलता है कि बाहर से बुलवा करके तुम्हारा दुकान सील करवा दे बाहर से। तो हम डरते डरते दुकान खोले, दुकान खोलने के बाद एक लेडीज ड्रेस में थी पुलिस लिबास में, एक जेंट्स था सादा टी शर्ट पहने हुए था, मास्क लगाए हुए था। तो हम उनको लेडीज को हाथ पकड़ के अंदर ले गए, चलिए देखिए मेरा घर दुकान इसी में है, घर है, हम लोग तो सोए हुए हैं, पहले के लिए परेशान कर रहे हैं। तो लेडीज हमसे नाम पूछने लगी और डायरी पर नाम लिखने लगी, हमारे पिताजी का नाम, मेरे दुकान का नाम, मेरा नाम। तो हम बोले कि मैडम नाम क्यों लिख रही हैं। तो बोले कि तुम पर FIR करेंगे। तो बोले हम क्या किए जो FIR कीजिएगा। तो बोले कि तुम दुकान खोलता है बंद करता है, तुम्हारे बारे में हमको रिपोर्ट मिला है ना बाहर से। बोले कौन रिपोर्ट किया आपको मेरे बारे में, क्या रिपोर्ट किया है। तो छोड़ो सब, तो चलो अरे छोगा तो 10 मिनट के अंदर तुमको पता चलेगा बाहर से टीम आ रहा है। तो उसी में उनके साथ जो जेंट्स था हमारा हाथ दाब के पकड़ के बोले कुछ पैसा दोगे तो मैनेज हो जाएगा। बोले सर हम क्या अपराध किए जो आपको हम पैसा दें। तो ठीक है तो FIR वगैरह अपना तुम समझो। तो हम डर गए, डरने के बाद हम बोले कितना पैसा सर लीजिएगा मैनेज करने का, क्या मैनेज किया आप तो आप ही जानिए। तो बोले कि ठीक है 500 रुपया ना 1000 रुपया तुमसे लेंगे, 500 रुपया दे रहे थे हमको, नहीं नहीं 1000 रुपया हमसे लिए। बोले सर रिसीव में दीजिएगा, तो कोई रिसीव नहीं। और बोले कि से तुम्हारा नाम कट जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो। फिर हम बोले सर आप कौन थाना से हैं, मनार थाना तब तो हम कभी देखे नहीं। फिर नहीं हम मनारे थाना से हैं। उसके बाद बाइक निकाल करके चले गए। उसके सामने एक सोना चांदी का दुकानदार, उनको इसी दरवाजा शटर में लात मार के खुलवाएं और शायद उनसे ही पैसा वैसा लिए। पूरे बाजार में इस बात का चर्चा है, हम लोग पता भी लगवाएं तो बोले मनार थाना का वो लोग नहीं है। अब बताइए सब ऐसा करके धांधली करेगा, दूध पटार करेगा तो कैसे काम चलेगा। क्या चीज़ का दुकान है आपका? बर्तन का दुकान है। आप खोले हुए थे या बंद? दुकान में अरे बंद थी, 2 बजे रात, 2 बजे दिन में कौन दुकान खुल रहा है। दुकान हम लोग को ग्राहक भी आता है तो हम लोग आराम से माल कभी कभी दे देते हैं, लेकिन दुकान हम लोग नहीं खोलते हैं। दुकान हमारा खुला भी नहीं था, बंद था दुकान, लेकिन देखे थे सामने सोना चांदी का दुकान वाला को शटर खुलवा गई कर रहा था। तो हम बाहर से हल्का झाँक के देखे तो देखे वही बाइक लगा हुआ है, हमको देखा तो बोला तुम्हारा दुकान खुलता है बंद होता है, हमको रिपोर्ट मिला है तुम्हारा दुकान सील कर देंगे। हम डर गए, इसी वजह से हम लोग के साथ ऐसा ठगी वाला मामला हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविभूषण जैसा है। घर कहाँ हुआ? घर मनार हुआ, वही गंगा रोड में।